खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, जिसमें इन दोनों के बीच में रेस होती है। तो जो खरगोश होता है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और फिनिशिंग लाइन के जस्ट पहले जाके रुक जाता है और सोचता है कि जब तक कछुआ आएगा तब तक क्यों ना आराम कर लिया जाए। और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ता है और जब वो पहुंचता है खरगोश के पास तो देखता है कि खरगोश सो गया है। तो कछुआ उसी चाल से आगे बढ़ते हुए उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेता है और रेस जीत जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपनी तैयारी पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमें कछुए की तरह बनना चाहिए, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यानी अगर हमें फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है तो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना कि उस खरगोश की तरह बहुत ज्यादा स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।